विश्वकर्मा ने द्वारिका को बनाया था। एक बार इंद्रद्युम्न नामक एक राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि एक बड़े पेड़ के तने में मेरा विग्रह बनवाओ और इसे किसी सुंदर मंदिर में स्थापित करो। उसे पूरे भारत में ऐसा कोई मूर्तिकार नहीं मिला कि जैसी मूर्ति उसने स्वप्न में देखी थी ऐसी निकाल सके। एक दिन राजा के द्वार पर एक बूढ़ा मूर्तिकार आया और उसने कहा, मैं ये काम करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मेरी एक शर्त, मैं प्रतिमा का निर्माण एक बंद कक्ष में करूँगा और प्रतिमा का निर्माण पूर्ण होने से पहले उस कक्ष का दरवाजा अगर किसी व्यक्ति ने खोला तो काम जहाँ पर है मैं वहीं पर रोकूंगा। काम शुरू होने लगा, अंदर से ठक ठक की घिसने की आवाज आती थी। अचानक बहुत समय के काम के बाद आवाजें बंद हो गई। उस समय प्रतीक्षा करके राजा ने कमरे का दरवाजा खुलवा दिया। राजा जैसे ही अंदर पहुंचे तो अजीब चमत्कार, मूर्तिकार गायब था और मूर्तियों के अधूरे बने हुए टुकड़े पड़े हुए थे। वह मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वयं कला के सृजना के देवता भगवान विश्वकर्मा थे।